एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर जामिया इस्लामिया में इवन सीयूटी में भी जो भी स्टूडेंट 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, हम आज इस वीडियो लेक्चर में हिस्ट्री का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले दो पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है जो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है, और उसका यानी कि वो जो वीडियो है आपको वीडियो हिस्ट्री में भी या उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज ये है इस वीडियो का पार्ट थर्ड, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है, और हम टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड बात करेंगे, यानी कि जो एंट्रेंस में जिस टाइप के आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं हम उस हिसाब से बात करेंगे, यानी कि डिटेल में नहीं। तो ऐसा है, आप इससे पहले के लेक्चर में आपको जो है 16 महाजनपद के बारे में इन शॉर्ट में मैंने समझाया था, और उस 16 महाजनपद का जो टाइमलाइन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो था वो मगध था, और हम मगध को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मगध का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है उस टाइम के हिसाब से। मगर एक बात ये भी ऐड कर दूं कि हम वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जो आपके सवाल पूछते ही नहीं, जैसे लाइक हरियंग डायनेस्टी हो गई या फिर उस टाइम के सबसे जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहे, डायनेस्टी से रिलेटेड पूछा ही नहीं जाता है, तो हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे नहीं। बस आप ये नोट्स क्रॉस चेक कर लीजिए। हर एक डायनेस्टी में ये होता है कि इसी के कंटेम्प्रेरी लॉर्ड गौतम बुद्ध थे, इनके कंटेम्प्रेरी थे, और इन्हीं के टाइम में जो है इसके बाद आजा शत्रु आता है, उसके टाइम में जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है। तो ये कुछ बेसिक थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मेरे समझ से नहीं, इसलिए मैं इसको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बात करने वाला इस बारे में। हाँ, इस टाइम जो है यानी कि उस एंसेंट टाइम के, जिससे पहले तो ये बता दूँ कितने डायनेस्टी चले। जैसे पहला जो डायनेस्टी था ना वो आपका हर एक डायनेस्टी था, उसके अंदर कई सारे रूलर आए हैं, जैसे कि एक तो बिंबिसारा था, और उसके बाद यानी कि हर एक डायनेस्टी का जो पहला राजा था बिंबिसार था, उसके बाद फिर उसी का बेटा अजातशत्रु दूसरा रूलर बना इसका, इसके बाद और भी रूलर आए, पर बिंबिसार के टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, सॉरी अजातशत्रु के टाइम में। और वही यूजुअली जो आपके सवाल बनते हैं वो लाइक ऐसा पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजा के बारे में बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है, तो आप बाहुबली में जो आप देखेंगे जो हथियार यूज़ किया गया था वो ये दो थे उस टाइम, बाहुबली की मूवी में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हथियार वहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद इसके टाइम में एक और राजा आएगा उदयन। उदयन का इंपॉर्टेंट बस ये है कि इन्होंने जो गंगा रिवर के किनारे जो है पाटलिपुत्र नाम का शहर बसाया था, आज भी पटना जो आप देखते हैं। इसके बाद कई सारे इस डायनेस्टी में कई सारे राजा, बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके बाद जो है फिर दूसरा डायनेस्टी आएगा, हरियंग डायनेस्टी के बाद आएगा सिसुंग डायनेस्टी, और सिसुंग डायनेस्टी अपने नाम पे सिसुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन करेगा। और सिसुंग डायनेस्टी में बस यही है कि ये भी जो है कुछ टाइम तक रूल करेगा। इसके बाद कालासुका आएगा, कालासुका के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो और भी कई सारे इसमें राजा आते हैं, बट इसके बाद ये डायनेस्टी ख़त्म होता है नंदीवर्धन के बाद। इसके बाद नंदा डायनेस्टी आता है, महापद्मनंदा फाउंडर होता है, और महापद्मनंदा थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के टाइम में जो है अलेक्जेंडर का पावरफुल अटैक होता है। तो कई बार आपने सुना ही होगा, जैसे मैंने इससे पहले जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई तो आपको उससे बोला था कि देखिए आपको ये बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक कब हुआ था, मुस्लिम की ओर से इंडिया में अटैक कब हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम। पर अगर पूछ दे कि फर्स्ट फॉरेन अटैक कब हुआ था, फॉरेन के तौर पे फर्स्ट अटैक हुआ था अलेक्जेंडर के टाइम में, वो भी 326 BC के आसपास में हुआ है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तो 712 AD से 14 के बीच में अटैक किए थे उन्होंने। तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉरेन इन्वेजन जो हुआ था 326 यानी अलेक्जेंडर जो अटैक किया था, उससे पहले भी अटैक हुआ था बट उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर की बात करें तो काफ़ी पावरफुल रहा क्योंकि ये आने के बाद कुछ दिन तक रूल भी किया था। और नेक्स्ट अगर बात करें, उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट देकर गए थे, जैसे कि कुछ तक्षशिला का जो रूलर था उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा कुछ यहाँ पे जैसे विजयनगर हो गया, बुकाफेल हो गया, दो शहर का निर्माण करवाया था किसने, अलेक्जेंडर ने। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहे। अभी जैसे मैं फिर से इन शॉर्ट में समझा दूँ कि देखिए हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में पहला जो डायनेस्टी मैंने बताया इन शॉर्ट में वो हरियंग डायनेस्टी था। हरियंग डायनेस्टी में दो तीन रूलर आए, उसके बाद का जो डायनेस्टी है वो ये सिसुंग डायनेस्टी है, और सिसुंग डायनेस्टी के बाद फिर नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के टाइम में ही महापद्मनंदा जब रूल कर रहा था तो उस टाइम ही जो है अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। हालांकि अब इसके बाद महापद्मनी बल्कि घनंद के टाइम हुआ, क्योंकि महापद्मनंदा उसका फादर था, यानी घनंद के फादर महापद्मनंद थे उसके टाइम में। और उस टाइम जो है दो इन्वेजन हुए थे, एक पर्सियन की ओर से हुआ था और दूसरा ग्रीक की ओर से। ग्रीक की ओर से जो अटैक हुआ था वो अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, और अलेक्जेंडर का अटैक इसलिए फर्स्ट माना जाता है क्योंकि इनका अटैक होने के बाद कुछ दिन रूल किए थे और पावरफुल अटैक था। इससे पहले जो पर्शियन इन्वेजन था वो बेसिकली लूटने के लिए था, आइए मतलब पैसे लूटिए और निकल लीजिए इस टाइप का था। हालांकि जब भी कोई अटैक होता है तो कुछ इंपॉर्टेंस अपना, जैसे कि जब पर्शियन अटैक हुआ था तो पर्शियन ट्रेड स्टार्ट हो गया था, खरोटिया स्क्रिप्ट यानी कि राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ऐसे यहाँ स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा अगर हम ग्रीक इन्वेजन के तौर पर बात करें तो ये दो चीज़ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
अब इसके बाद जो है, क्योंकि आप ये नोटिस करिए कि एक मतलब इंडिया में ऑलरेडी डायनेस्टी चल रहा है, इस डायनेस्टी के चलते भर में फॉरेन अटैक हुआ है, फॉरेन में अलेक्जेंडर को याद रखिए काफ़ी होगा, और अलेक्जेंडर के बाद अब ये अलेक्जेंडर के बाद फिर न्यू डायनेस्टी आएगा मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी के कई सारे ऐसे सोर्सेज जहाँ से पता चलता है, जैसे चाणक्य नीति का जो बुक है उसमें भी मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, इंडिका जो है मेगास्थेंस के द्वारा लिखा गया है, महाभाष्य, ये कई सारे सोर्सेज है। अब आपसे सवाल आपसे पूछा क्या जाता है यहाँ पे, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है या इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो सवाल इस टाइप का पूछते हैं, मतलब अनसर्ट हिस्ट्री से। ये तो हो गया रिटन लिटरेरी सोर्सेज हो गया, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जैसे अशोका का इंस्क्रिप्शन अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से भी पता चलता है कि जो मौर्य नाम का डायनेस्टी चल रहा था उसमें कौन कौन रूलर थे, उसमें भी थोड़ा बहुत आइडिया मिला है। इसके अलावा अशोका का जो स्टोन एडिक्ट है उसमें भी डिस्क्राइब थोड़ा बहुत किया गया है। तो ये हो गया कुछ सोर्सेज। इसके अलावा आपको अशोका का जो सेवन पिलर है, जैसे टोपरा, मेरठ, अलाहाबाद, इन सब में भी। अच्छा, अब इससे क्या सवाल पूछते हैं, यूजुअली आपके सवाल ये पूछते हैं कि मेरठ पिलर कहाँ है, हाँ अलाहाबाद पिलर में किसके बारे में नाम डिस्क्राइब है, जैसे अशोका हो गया, समुद्र गोपे और जहांगीर हो गया, इन तीनों के बारे में वहाँ पे नाम मेंशन है, तो सवाल आपके ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभी एक आग और सवाल बन सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा, जैसे महरौली में पिलर है, तो महरौली वाला में जो पिलर है यानी कि अशोका का पिलर वहाँ पे है, तो वहाँ पे बेसिकली मेरे समझ से समुद्रगुप्त के बारे में डिस्क्राइब है, ये आगे मैं आपको इसमें कन्फर्म बताऊँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी मौर्य डायनेस्टी को हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी से पूछा जाता है, गुप्ता से पूछा जाता है, इसलिए मौर्य डायनेस्टी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मौर्य डायनेस्टी का उदय तब हुआ जब घनानंद जो है, यानी कि इससे पहले नंदा डायनेस्टी चल रहा था, अगर आप थोड़ा बहुत द्वारा देखेंगे तो महापद्म नंदा का बेटा था घनानंद, और घनानंद के अंदर थोड़ा सा वो हो चुका था, ईगो आ चुका था, क्योंकि अलेक्जेंडर को से वो उन्होंने जो फाइट किया था और अलेक्जेंडर को इंडिया में आने से रोक दिया था कुछ हद तक, तो इस वजह से देखते हुए खुद को अपने आप इसके अंदर थोड़ा ईगो आ गया था, और इस ईगो के वजह से जो है और ये इस ईगो के वजह से इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान चाणक्य का कराया था, चाणक्य दिल पे ले चुका था कि हम इसको हरा करेंगे, इस रीजन से इसको हटा करेंगे। तो इस बीच में होता यह है कि चाणक्य जो है किसके साथ, यानी कि चंद्रगुप्त जो है चाणक्य का हेल्प लेकर, यानी चाणक्य उसको सपोर्ट करता है, इस सपोर्ट के बल पे घनानंद को हरा देता है, और इस तरीके से मौर्य डायनेस्टी यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी का फाउंड करता है। अब लॉजिकल यहाँ पे ये सोचने वाली बात यह है कि चाणक्य एक नॉर्मल सा बंदा रहता है लेकिन काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है, और इसको जो है यानी चाणक्य को जो है घनानंद के जो कोर्ट थे उससे ऐसे ही भगा दिए जाते हैं, इस वजह से ये दिल ये भी ईगो पे ले लेता है, और ये ईगो का सीन ये होता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर एक प्लान बनाता है, और इस प्लान सक्सेसफुल होने के बाद यानी प्लान बनाता है, और इस प्लान बेसिकली ये होता है कि घनानंद को अपने कुर्सी से हटा देना किसी भी तरीके से। तो ये होता है कि बैटल होता है, और उस बैटल में जो है घनानंद मारा जाता है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य नाम से डायनेस्टी फाउंड करता है। लॉजिकल बात यही है। अब इनको यानी चंद्रगुप्त मौर्य से एक सवाल बन सकता है कि फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ये हो गया, यानी आप ये देखें कि मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडेशन कैसे हुआ वो आपको पता चल पाया, यानी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। इसके बाद ये है कि इनके कई सारे नाम हैं, जैसे इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट अगर हम सम्राट की बोले तो घनानंद को कहा जाता है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा सवाल पूछता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर दिमाग देने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि ऐड कर सकते हैं कि सुदर्शन जो लेख है इसका रिनोवेट करने का काम इन्होंने, सबसे पहले तो रुद्र दमन ने बनवाया था, बट इसको रिनोवेट कराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसके बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया, उसमें मेंशन है, ठीक है। इसके बाद जो है स्कंदगुप्त के द्वारा ये जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, इन्हीं के टाइम में सेल्युकस निकेटर अटैक किया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सेल्युकस निकेटर इंडिया में अटैक किए थे, और जब ये अटैक हुआ तो ऑलरेडी चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए बैटल में कोई खास नुकसान नहीं, बल्कि एक ट्रीटी हुआ किसके बीच में, सेल्युकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। इसमें हुआ ये कि काबुल, कंधार और हेरात, जिरोडेसिया, ये सारे जो है चंद्रगुप्त को दे दिया गया, और कुछ ही पार्ट जो है सेल्युकस निकेटर को मिला। इसके साथ ही अब ये देखा सेल्युकस निकेटर कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी पावरफुल है, इसलिए उसने क्या कि उसकी बेटी हेलेना थी उससे उसको मतलब शादी कर दिया, ब्याह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, पहला फ़ायदा। उसके बाद क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी बड़े एरिया में रूल किया, बोलते ना कि आप ऐसा कह सकते कि अफगानिस्तान तक जो इनका कंट्रोल रहा था, काबुल, कंधार, ये सब तो उधर ही पड़ता है ना। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें
ये इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत अपडेट मिलता रहे, तो सेल्कस निकेटर ने क्या किया था कि उसका एक एम्बेसडर था मेगास्थेंस, और मेगास्थेंस नहीं तो एक इंडिका बुक लिखा है जिसमें मौर्य के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो मेगास्थेंस एम्बेसडर था सेल्कस निकेटर का, और उसने भेजा था कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वो ट्रांसलेटर का काम करता था। इतना समझ में। इस इन सब को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट जो है सेल्कस निकेटर को गिफ्ट किया था। यही चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्हीं के टाइम में जो है फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हुआ है पाटलिपुत्र में। इतना तो समझ में आ गया। और इन्हीं के टाइम में जो है जैनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर दिगंबर। हालांकि मैंने जैनिज्म के वाले लेक्चर में आपको डिटेल समझाया, इससे पहले का जो लेक्चर उसमें आपको देख लीजिएगा कि श्वेतांबर दिगंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से क्या पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे चक्रवर्ती सम्राट किनको कहा जाता है, फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट पहला, दूसरा ये कि सुदर्शन ले को रिनोवेट, तीसरा ये कि अगर हम बात करें तो ये इसके टाइम में जो कोर्ट पोएट कोर्ट था, कोर्ट ट्रांसलेटर कह लीजिए मेगास्थेंस, और बाकी और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और इन्हीं के टाइम में जो है जैनिज्म फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हुआ। तीन चार सवाल बनने के चांसेस है, बाकी ये कि एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं दूसरा राजा, यानी कि मौर्य डायनेस्टी में ही दूसरा जो राजा होगा वो बिंदुसारा होगा, और बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा, ठीक है। इनको अलग नाम से सिंहासन और अमित्र घाट के नाम से भी जानते हैं। इसके 16 वाइफ थे, कितना, 16 वाइफ, और उस 16 वाइफ से टोटल 101 बेटा हुआ, मतलब बेटा बेटी मिलाकर 101। और सबसे लास्ट जो बेटा था वो सुषुम्ना था, और उससे पहले जो था वो अशोका था, मतलब 100 नंबर पे अशोका का था, और 101 पे अगर कह लीजिए तो सुसुम। अब होता यह है कि अशोका मतलब राजा बनने के यानी रूलर बनने के चक्कर में ये अपने 99 ब्रदर को मार देता है, और लास्ट जो भाई उसको छोड़ देता है, ठीक है। जब बिंदुसारा रूल कर रहा होता है उस टाइम, यानी इंडिया में उस टाइम जो है सुसुम को गवर्नर बनाया जाता है तक्षशिला का, और अशोका को उज्जैन का बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन सीन ये होता है जिस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी पावरफुल होता है, ऐसे ही इस टाइम जो है बिंदुसारा के टाइम में अशोका पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि तक्षशिला में एक रिवोल्ट हो जाता है, और उस रिवोल्ट में इसका जो भाई है वो हार जाता है। इन सब को देखते हुए बिंदुसारा जो है अशोका को भेजता है, और अशोका को भेजता है तो ये जो सीरिया और इजिप्ट जो है ये दोनों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कौन? अशोका। तो यहाँ तक कुछ बेसिक था जो आपको समझ में आया कि बिंदुसारा का 101 बेटा बेटी, मतलब टोटल मिलाकर 16 वाइफ और उससे 101 बेटा बेटी, जिसमें 99 इस दुनिया से निकल लिए क्योंकि इसमें बड़ा रोल अशोका का था। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो दो भाई बचे, मतलब एक अशोका और दूसरा सुसुम को गवर्नर बनाया गया तक्षशिला का, और अशोका को उज्जैन का। हालांकि उज्जैन मध्य प्रदेश में है अब, और तक्षशिला कहाँ है आप देख सकते हैं, पेशावर वाला रीजन में उधर पड़ जाता है। तो उसके बाद होता ये है कि जैसे ही जब रिवोल्ट होता है तो देखता है कि अशोका थोड़ा है, दिमाग कंट्रोल करने का पावर है, ये खुद जाता है और उसको कंट्रोल कर लेता है उस बैटल को। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब थोड़ा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अशोका के बारे में। अगर हम अशोका के बारे में बात करें तो अशोका के बारे में हमें कई सारे सोर्सेज से पता चलते हैं। जैसे पहला मस्की इंस्क्रिप्शन है, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, इससे हमें अशोका के बारे में पता चलता है, ठीक है। इनका पूरा नाम अशोक वर्धन देवनाम प्रिय था, अशोक राजा, मतलब अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग इनको नाम से पुकारा गया। इन्होंने जो आपको मालूम है 99 ब्रदर को मार दिया था, और ये जो है इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी महादेवी, जिससे इनका शादी हो, जो कि उज्जैन के प्रिंसेस थी, और उससे दो बेटा हुए, एक महेंद्र और दूसरा सरगमिका। और इन दोनों को जो है भेज दिया था श्रीलंका बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप ये नोटिस करिए थोड़ा सा कि इससे पहले जो है हमने किसके बारे में ध्यान से देखा, तो इससे पहले जो है मौर्य डायनेस्टी में थे, अभी मौर्य डायनेस्टी में ही है। तो मौर्य डायनेस्टी में अगर देखा जाए तो इनके जो दादा हुए, किसका, अशोका का, वो अगर देखा जाए तो जैनिज्म के फॉलोअर हैं, यानी जैनिज्म को। पर अगर हम बात करें इनके टाइम में, यानी कि अशोका के टाइम में, तो अशोका को तो हम लोग जानते हैं कि अशोका जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, और बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई सारे काम भी किए थे। इतना समझ में, क्योंकि ये बुद्धिज्म को, अब ये देखें ना कि खुद स्प्रेड करने के लिए अपने बेटा बेटी को भेज दिया था। और दूसरी जो प्रिंस थी कलिंग के प्रिंसेस, जिसके बारे में आप जानते होंगे, सवाल ज़्यादा इससे पूछता नहीं है, जो सवाल पूछता है वही इम्पोर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे। कलिंग वार का एक बड़ी वजह यह है, आपको मालूम है कि अशोका के साथ कलिंग वार हुआ था। कलिंग वार बस ये कि तुसाली जितने के चक्कर में जो है कलिंग का वार हुआ था, और उस वार से ज़्यादा कुछ मिला तो नहीं सिवाय खून खराबा का। और इसके बाद ये हुआ था कि
इसके बाद थोड़ा बहुत वैसे ही कहानी चले, बट उतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। इसके बाद बस ये कि जब ये रूल कर रहे थे तो रूलिंग पीरियड के टाइम में ये बोधगया गए थे, और वहाँ पहले बोधगया गए, फिर लुम्बिनी गए, और फिर लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिए। आप समझिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि बोधगया में आपको मालूम है गौतम बुद्ध का जो है वहाँ पर उनको इलेक्ट मिला, और लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस था, इस वजह से बर्थ प्लेस को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिए थे। ये जो है एक रमन देव का नाम से डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है। इसके अलावा ये है कि एक शहर का शहर बसाया था श्रीनगर के नाम से झेलम रिवर पे, और इन्होंने जो है एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट कर दिया था। इवन जो है जो सांची स्तूपा के बारे में आप जो सुनते हैं वो इनके ही द्वारा ही बिल्ड कराया गया है, इनके ही टाइम में बना था, और सांची स्तूपा जो है बिगेस्ट स्तूपा इन इंडिया है। हालांकि वर्ल्ड के हिसाब से तो बोरोबुदुर स्तूपा है जो कि इंडोनेशिया में है, पर आप ये स्तूपा के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यही अशोका है जिनके टाइम में जो है सेकंड बुद्धिस्ट सॉरी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वही पाटलिपुत्र में हुआ था। आप नोटिस ये करिए कि इनके दादा का भी जो कैपिटल था, यानी जो जैनिज्म का जो काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और अगर इनके बारे में अशोका के बारे में बात करें तो इसके टाइम में भी पाटलिपुत्र में ही हुआ, तो लॉजिकल थोड़ा सा समझेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद जो है ये गए थे अपनी ज़िंदगी में लास्ट टाइम जो है इन्होंने बराबर केव जो है आजीविकार को डोनेट कर दिया था। ये बराबर केव यानी बराबर की गुफा जो है वो बिहार में ही गया में है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मौर्य डायनेस्टी में जो सबसे लास्ट रूलर रहे हैं वो बृहद्रथ रहे हैं। ये हो गया आपका अगर हम बात करें तो मौर्य डायनेस्टी, आपको क्लियरली बता दिया। मौर्य डायनेस्टी में तीन लोग इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, दूसरा आप अशोका भी याद रखिए, और तीसरा जो है इनका जो फादर था अशोका का बिंदुसारा। अब इसके बाद आते हैं पोस्ट मौर्यन, यहाँ से मौर्य डायनेस्टी अब ख़त्म होता है और पोस्ट मौर्यन में आते हैं। पोस्ट मौर्यन में जो है एक मे भी सवाल पूछा, हालांकि चांसेस कम है, शुंग डायनेस्टी फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, और इसका फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा था। अब इसके बारे में ज़्यादा तो मैं बताना बिल्कुल भी नहीं समझूंगा, बस ये है कि इनके टाइम में जो है बुद्धिज्म, ये इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म को लेकर कम से कम 84,000 स्तूपा जो है जो अशोका ने बनवाया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनके टाइम में जो है संस्कृत जो है वो एक्सट्रीम पे था। अब अगर हम बात करें तो अगर गौतम बुद्ध के हिसाब से टाइम देखें तो वहाँ पाली लैंग्वेज जो था काफ़ी ई पे था, मतलब चहल पहल पर था या लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। इसके टाइम में संस्कृत वर्ड को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इन्होंने जो है दो अश्वगंधा याजना करवाए थे, जो जैसे पतंजलि महाभास और संस्कृत वर्ग, ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, हालांकि आपको ये पूछा जरूर जाएगा कि पतंजलि किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी साउथ वाला रीजन में जो है डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था आंध्र सतवाहना के नाम से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ से भी एक आध सवाल पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस में, एक सवाल साउथ में पूछा जाता है। बस ये सब जब चल रहा होता है तो फॉरेन इन्वेजन फिर से होता है, यानी मौर्यन पोस्ट मौर्यन मौर्यन डायनेस्टी जैसे ख़त्म होता है उसके बाद फिर सतवाहना डायनेस्टी क्यों भी चल रहा है, और नॉर्थ इंडिया में भी ऑलरेडी डायनेस्टी चल रहा होता है, लेकिन ये है कि अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है फॉरेन अटैक होता है इंडिया में, और फॉरेन अटैक के तौर पर अगर हम बात करें तो ग्रीक की ओर से फिर से अटैक होगा, और जिसका रूलर होगा मिनांदर। और यहाँ पे जब वो रूल करना स्टार्ट करता है तो गोल्ड कॉइन इसने स्टार्ट करता है, ये बुद्धिज्म अडॉप्ट करता है और बुद्धिज्म के जो टीचिंग था मॉन्क के थ्रू फैलाना स्टार्ट करवा देता है। तो यानी ये देखिए कि फॉरेनर अटैक किया है और आके रूल करने लगा, और ये खुद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया और बुद्धिज्म को लेकर फैलाने लगा। इसके बाद फिर बुद्धिज्म के बाद, यानी कि अगर फॉरेन इन्वेजन के तौर पर फर्स्ट अगर ग्रीक देखें, और ग्रीक में मिनांदर था, उसके बाद साका डायनेस्टी चलता है। साका डायनेस्टी जब रहता है तो उसके मतलब कैपिटल के तौर पर ये वो एरिया जहाँ पे ये अपना कैपिटल बनाता है, जहाँ पे इनके अलग अलग ब्रांचेज होते हैं और वहाँ से रूल कर रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा इनको मतलब किल कर, ये चंद्रगुप्त सेकंड इसको मार देता है। ये वो चंद्रगुप्त नहीं है जो आप मौर्य डायनेस्टी में पढ़ते हैं, ये अब गुप्ता डायनेस्टी में आएंगे। तो यहाँ कुछ बेसिक था, हाँ इन्हीं के टाइम। अब साका डायनेस्टी आपको मालूम है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, साका डायनेस्टी के टाइम ही कश्मीर में। इन्होंने जो है साका संबत सम्राट के नाम से चला संबत के नाम से चलाया था। इन्हीं के टाइम में जो है जो बुद्धिज्म जो है वो दो पार्ट में हीनयान महायान में बट गया। तो कुल मिलाकर ये कि हम सेलेक्टिवली बात कर रहे हैं, और इतना अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि सवाल जैसे पूछ रहे हैं वैसे ही चलना चाह रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे बात करें तो गुप्ता पीरियड, क्योंकि मैंने चंद्रगुप्त का नाम लिया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है या चंद्रगुप्त कह, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं और चंद्रगुप्त सेकंड अलग है। हाँ, मैंने इससे पहले बोला था कि मेहरौली जो पिलर है उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नाम मेंशन है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है
कि महरौली में जो पिलर है उसमें किस राजा के बारे में नाम मेंशन है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त सेकंड। मौर्य तो मौर्य डायनेस्टी हो गए, ये हो गए गुप्ता डायनेस्टी। अच्छा ये भी बता दूं कि अभी हम गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सोर्सेस कई हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे तो महरौली पिलर से चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पता चलता है, पुणे में कॉपर एडिक्ट है वहाँ से भी पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से स्कंदगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में अलाहाबाद पिलर से पता चलता है जो कि पहले ही पढ़ाया था। तो ये दो तीन अगर याद रखते हैं तो काफ़ी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अजंता और एलोरा केव, वहाँ पे भी गुप्ता पीरियड के रिलेटेड सोर्सेस मिलते हैं। अजंता और एलोरा का जो केव है आपको मालूम है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ ऐसे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, बट कुछ लिटरेरी यानी रिटन सोर्सेस है, जैसे कि कालिदास के द्वारा एक बुक लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें भी है उन्होंने, कालिदास ने तो कई सारे बुक लिखे, उन सब में जो है कहीं ना कहीं बात किया गया, मतलब गुप्ता पीरियड के बारे में, अलग अलग राजा के बारे में उसमें बताया गया है, इससे भी पता चलता है। तो कई सारे सोर्सेस है, हालांकि उतना बताना मुझे सही नहीं लग रहा है। अब हम चलते हैं सीधा आगे। तो ऐसा कुछ सोर्सेस से तो ये पता चलता है कि जो गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्त। अब वो कुछ टाइम के लिए रूल किए थे, उसके बाद उसी का बेटा घटोत्कच रूल वो आता है और वो कुछ दिन तक रूल करता है और उसको टाइटल मिलता है महाराजा का, यानी श्रीगुप्त फाउंडर हुए गुप्ता पीरियड का। और एक्चुअल जो फाउंडर अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम में काफ़ी फला फुला मतलब काफ़ी गुप्ता पीरियड जो है काफ़ी एक्सप्लोर किया था इस वजह से। पर अगर आप रियलिटी देखें तो चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त फाउंडर रहा है, उसका बेटा उसको टाइटल मिला, वो कुछ दिन तक रूल किया। तो अब हम अगर इसमें बात करें यानी कि गुप्ता पीरियड में, तो एक्चुअल फाउंडर तो पता चल गया है और हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में ही डिटेल में देखेंगे, ज़्यादा किसी के बारे में नहीं। तो एक तो ये कि जब आता है तो गुप्ता संबत, जैसे साका संबत स्टार्ट हुआ था ऐसे ही गुप्ता संबत स्टार्ट करता है चंद्रगुप्त। अच्छा एक बात और, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन सबसे उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं। इनको महाराज धीरज के नाम से टाइटल मिलता है, इनकी वाइफ होती है कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस होती है, और ये सिल्वर कॉइन, पहला ऐसा गुप्ता रूलर होंगे जो सिल्वर कॉइन लॉन्च करते हैं। गोल्डन कॉइन ऑलरेडी आपने देखा कि मीनांदर ने लॉन्च किया था फॉरन के, तो एज ए फॉरनर के तौर पे। इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त आएंगे और समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया ऑप्शन रहेगा, अगर समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त रहे तो आप समुद्रगुप्त मारेगा, तो उस नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि समुद्रगुप्त जो है साउथ इंडिया में लगभग 12 रूलर को हराए थे और नॉर्थ इंडिया में 9 रूलर को हरा करके यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का फॉर्म किया था। इनको भी चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है, इनको भी विक्रम का टाइटल मिला था और ये भी जो है अश्वमेधा योजना स्टार्ट किए थे, यानी कि बुद्धिज्म को लेकर, इन बुद्धिज्म के फॉलोवर रहे हैं ये भी। इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन, जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, जैसे प्रयाग प्रशास्त्री जो बुक है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है, और हरिसेन इनके कोर्ट पोएट थे, इनके समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त जो थे वो कभी भी थे, वो वायना प्लेयर भी बजाते थे, कविराज के नाम से इनको टाइटल भी मिला है क्योंकि ये पोएट थे। इन्होंने जो है बुद्धिज्म को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ों को कंजर्व किया था, ध्यान दिया था उसको लेकर। इसके अलावा इनके दो बेटे थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त जो पहले पढ़े और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त देखें, और अब इसके बाद जो है चंद्रगुप्त के बारे में आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो रामगुप्त होगा, राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद स्कंदगुप्त, सॉरी ये स्कंदगुप्त नहीं होगा, बाय मिस्टेक चंद्रगुप्त होगा, जैसे मैं अब समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अगर आप समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का दो बेटा था रामगुप्त और चंद्रगुप्त, तो ये वही चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। और अब यहाँ से चंद्रगुप्त को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, क्योंकि इनके टाइम में काफ़ी बड़े एक्सप्लोरेंस देखा गया, जैसे ये है कि जिस तरीके से अकबर का जो नाइन जेम का कॉन्सेप्ट है, नौ नवरत्न का कॉन्सेप्ट है, यहीं से लिया गया था। तो चंद्रगुप्त का जो है नाइन जेम का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, सॉरी चंद्रगुप्त का जो नाइन जेम का कॉन्सेप्ट जो है आगे जाकर अकबर भी अडॉप्ट करता है, और फिर अष्टदिग्गज जो है मराठा की ओर से यानी शिवाजी का, वहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त स्टार्ट कर रहे हैं और ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं, और इनके टाइम में मतलब नाइन जेम्स इनके कोर्ट में रहा करते थे। नाइन जेम्स में कौन कौन थे, जैसे हरिसेन कोर्ट पोएट था, कालिदास भी थे, कालिदास के बारे में कई बार सुनते हैं तो कालिदास के बारे जरूर याद रखिएगा, अमर सिंह, ये सारे हैं, आप एक बार देख ली थोड़ा। ये जो है रुद्रसेन थर्ड को मार दिए थे और उसके बाद इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। इनके टाइम में एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहियान आए थे, इनके ही टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त है, गुप्ता डायनेस्टी के थर्ड रूलर हैं देखा जाए तो ऐसे।
इसके बाद जो है इनके टाइम में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ था। अब इसके बाद अगला जो रूलर आएगा वो कुमार गुप्त आएगा, और यही कुमार गुप्त हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी का रिनोवेट यानी बनवाया था। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक और हिस्ट्री ये भी है कि आपको ये मालूम है कि बख्तियार खिलजी जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करके वो मतलब उसमें आग लगा दिए थे, और लगभग 6 मंथ तक आग जलता रहा था, और ये हुआ था कब, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के आसपास में। तो कुमार गुप्त ही है जो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाए थे, और यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ पर काम चल रहा था, मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन जो काफ़ी एक्सट्रीमिज्म पे वहाँ पर था। इसके बाद कुमार गुप्त के बाद इसी का बेटा स्कंदगुप्त वो नेक्स्ट रूलर बनेगा। अब देखा जाए तो कुमार गुप्त में तो बस यही है कि बुद्धिस्ट काउंसिल थोड़ा ये नालंदा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए बहुत है। अब स्कंदगुप्त के बारे में तो ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर होंगे। हाँ, ये जो है फिर से सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराएंगे। इससे पहले जो है आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराए थे, तो स्कंदगुप्त भी जो है ये रिनोवेट करवाए थे। इनके टाइम में हुंस का अटैक होता है, फॉरनर अटैक हुआ था इनके टाइम में, और जो है ये भी पावरफुल रहे हैं, पुलकेशिन को हराए, कई सारी चीज़ इनके टाइम में हुआ। इसके बाद फिर फाइनली जो है हर्षवर्धन का टाइम आता है, और हर्षवर्धन जिसके बारे में आप सुनते ही है, हिंदू रूलर के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी पावरफुल रहे हैं। इनका जो डायनेस्टी था वर्धन डायनेस्टी के नाम से था, और इसके टाइम में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन्हीं के टाइम में जो है, पहला ज़्यादा डिटेल तो बात करेंगे नहीं, इन्हीं के टाइम में जो है ये फॉरनर आया था जिसका नाम था चाइनीज ट्रैवलर थे फुलेंग स्वाग के नाम से, वो इंडिया में आए थे और काफ़ी दिन तक स्टे किए। इसके बाद इनके टाइम में ये पढ़े लिखे इंसान थे, यानी कि कई इन्होंने किताब भी लिखा है। तो ये आपका अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का था, बाकी और भी हैं जैसे कि प्री मेडिवल में गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी चला था मिहिर भोज के नाम से, तो ये थोड़ा बहुत है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं क्योंकि ऐसे सवाल पूछते नहीं। हाँ, गढ़वाल डायनेस्टी चौहान डायनेस्टी इन दोनों के बारे में मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में जब हम पढ़ा रहे थे तो इंसर्ट में आइडिया दिए थे कि भाई गढ़वाल डायनेस्टी किधर था, चौहान डायनेस्टी क्या था, किधर रूल कर रहा था। परमार डायनेस्टी भी है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बताया जाए। पाला डायनेस्टी भी है, बंगाल वाला रीजन में चल रहा था, और इसी पाल डायनेस्टी को बख्तियार खिलजी जो है हरा दिया था, क्योंकि वहीं आपको जब मालूम है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऐसा मोहम्मद गौरी जब अपने राजपाट को डिवाइड किया था चारों सिलेब में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी कुबाचा यलदूज, तो बख्तियार खिलजी को जो है बंगाल वाला रीजन दिया था, और ये बंगाल वाला रीजन जाके पाला डायनेस्टी का जो रूलर था बंगाल में उसको हरा दिया था और वहाँ पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद सेन डायनेस्टी भी आएंगे, अलग अलग डायनेस्टी। इस तरीके से ये अगर हम बात करें तो जो मेडिवल एंसेंट का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जो सेलेक्टिवली था मैंने, जैसे अगर बात करें एंसेंट हिस्ट्री में तो 5 से 7 सवाल बनने के चांस होते हैं। एक तो बुद्धिज्म से जैनिज्म से हो गया, 2 सवाल हो गया, यानी कि इसके अलावा हरप्पन सिविलाइजेशंस हो गया और वैदिक सिविलाइजेशंस हो गया, ये 4 टॉपिक हो गए। इसके अलावा मौर्यन हो गया और गुप्ता हो गया, ये 6 हो गए टोटल। इसके बाद एक जो है साउथ वाला डायनेस्टी चला है साउथ में, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि साउथ वाला डायनेस्टी में एक काक सवाल बन जाते हैं, वो कभी कभी मंदिर से बन जाता है, चेला चोला डायनेस्टी, ये सारे जो है चले हैं। तो ये कुछ था आपका एंसेंट का, मैंने सेलेक्टिवली बात कर लिया है। विजयनगर पढ़ाएंगे अभी तो वैसे अभी है नहीं, बट विजयनगर भी इंपॉर्टेंट क्योंकि विजयनगर से भी सवाल बनते हैं, और ये विजयनगर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में फल फूला था, यानी बड़े लेवल पे वहाँ पे एक्सप्लोर हुआ था। तो ये सारे हुए, ये मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंसेंट हिस्ट्री को लेकर इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अगर आपको ढंग से कर लेते हैं तो आपका एंसेंट हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बस ये कि साउथ में 2-3 डायनेस्टी जिसको ढंग से देख लेने का है ये उतना काफ़ी होगा। बाकी ये है कि अभी अगर बात करें तो विजयनगर पे भी जो कंट्रोल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड करते हैं। बाकी ये कि अभी आने वाले टाइम में जो MCQ प्रैक्टिस चलेगा उसमें कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो एंट्रेंस ऑडिट होंगे, वो अभी इस चैनल पर आपको कराया जाएगा आने वाले टाइम में। कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो स्टूडेंट पेड बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि पेड बैच चल रहे हैं हमारे, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं और काफ़ी अच्छे से तैयारी हो रही है, और अभी टाइम भी है और अच्छे से कराई भी जाएगी। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन होना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।